हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है एंगल्स का। आप लोग ऑलरेडी एंगल्स को प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाना जानते हो, जैसे 30 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी एंगल आपको दिया हो आप उसे प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाते हो। ठीक है, आज के इस क्लास में हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं जिनको कंपास के हेल्प से कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, हर एक एंगल जो होता है ना उसको कंपास और रूलर के हेल्प से बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही होते हैं जिनको हम कंपास और रूलर के हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, एंगल के कंस्ट्रक्शन से पहले हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर बनाना सीखेंगे, क्योंकि इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हमें पड़ सकती है वाइल कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम कंपास और रूलर के हेल्प से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन सेगमेंट का कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। तो अगर हमारे पास कोई लाइन है, जस्ट सपोज वी हैव अ लाइन ए बी, ठीक, दिस इज द लाइन। अब इस लाइन ए बी का अगर हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो एक ऐसी लाइन जो इसको बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, और बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर हमारे पास कोई लाइन है जैसे कि पी क्यू, अगर ये ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और साथ ही साथ ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन पी क्यू है ये ए बी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है? नाउ लेट अस सी हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। अगर बात करें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट करने की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज हमें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो सबसे पहले तो हम ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। मान लेते हैं इसका कुछ लेंथ होगा जो हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। जैसे सपोज ए बी का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो हम स्केल के हेल्प से 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लेंगे। अब इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेते हुए और रेडियस लेंगे खुद से। वो रेडियस क्या होगा, ए बी के मिड पॉइंट से ज़्यादा। अब वो ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि इस पोर्शन में कोई भी लेंथ आप यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक में इसके हाफ से ज़्यादा कोई भी लेंथ ले सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज आपने कंपास को कुछ इस तरह से रखा, ये कंपास का होल्डिंग पोर्शन हुआ, ये नीडल वाला पोर्शन हुआ, और इस साइड आपकी पेंसिल है। ठीक है, ये हाफ से ज़्यादा है, ठीक, आप हाफ मेज़र कर सकते हो स्केल से, हाफ मतलब मिड पॉइंट को मार्क कर सकते हो। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। कैसे, आप ए पे अपना कंपास रखोगे, ठीक है, ए पे अगर आप 7 पॉइंट रखोगे तो कंपास का पेंसिल वाला पॉइंट आधे से ज़्यादा रखने पे यहाँ पर कोई आर्क आप बना पाओगे। ठीक है, सिमिलरली यही आर्क आपको इसी लाइन ए बी के ऑपोजिट साइड भी बनानी है। ठीक, अब आप क्या करोगे, बी पे कंपास रखोगे, शार्प पॉइंट बी पे रखोगे, और उसी सेम रेडियस के साथ, मतलब हाफ से ज़्यादा रेडियस के साथ, ठीक है, जो आपने पहले वाले स्टेप में यानी ए पे कंपास रखते टाइम लिया था, उसी रेडियस के साथ बी पे कंपास रख के आर्क्स ड्रॉ करोगे। अब होता क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में कि ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, बी पे जो आर्क ड्रॉ करोगे ना वो बनेगी तो कुछ इस तरह से, बट हमें वो वाला पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए जिससे वो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर दे। ठीक, अब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ये जो हमें लाइन मिलती है वो ए बी के परपेंडिकुलर भी होती है और ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। तो इसे हम कहेंगे कि ये ए बी लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर? तो आई होप इस तरह से आप किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो। ठीक है, अब हम आपकी एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन दिया है आपके वर्कशीट 1 में, जिसमें पहले तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, लाइक यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप क्या करोगे, सिंपल कंपास लोगे और एक सर्कल बना लोगे 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, देन यू हैव टू ड्रॉ इट्स डायमीटर एंड नेम ए बी। ये वर्कशीट 1 का थर्ड क्वेश्चन है। ओके, यू कैन जस्ट लुक इट इन योर बुक।
वर्कशीट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री, आई एल जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एंड देन आई एल सॉल्व इट। पहले आपको एक कम मतलब रेडियस 6 सेंटीमीटर लेके, ठीक है, आपको एक सर्कल बना लेना है और उस सर्कल का कोई एक डायमीटर बना लो और उसका नाम देना है ए बी। यूजिंग कंपास एंड रूलर यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ऐसा नहीं है कि ए बी अब सर्कल के अंदर आ गया तो कोई डिफरेंट स्टेप्स होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, हमें वही काम करना है, वही लाइन ड्रॉ करनी है फिर से जो ए बी के परपेंडिकुलर हो और उसे दो पार्ट में डिवाइड करे। तो हम सेम स्टेप्स यूज़ करेंगे, हम ए पे कंपास को रख के इस साइड आर्क कट करेंगे और इस साइड भी आर्क कट करेंगे। इसी तरह से हम बी पे स्टार पॉइंट रख के पेंसिल वाले पार्ट को हाफ से ज़्यादा लेकर इस साइड आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का मिल जाएगा। और ये जो लाइन होगी ना, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डज इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस। क्यों? क्योंकि ये जो ए बी का हाफ हाफ पोर्सन है ये रेडियस ही तो होगा, है ना, और रेडियस इक्वल होता है तो ये वाली लाइन इसके सेंटर से पास करेगी, तभी तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे ना, यानी डायमीटर के मिड पॉइंट से पास होगी और वो मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। सो यस दिस लाइन विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो अब हम सीखते हैं कि अगर हमें कोई एक एंगल दिया हुआ हो और हमें कंपास के हेल्प से उसी का कॉपी बनाना, मतलब एग्जैक्ट सेम, जस्ट सपोज वी हैव बीन गिवन एन एंगल लाइक दिस, ठीक, हमें कह दिया गया आप इसी के मेजरमेंट के इक्वल दूसरा एंगल बनाओ, ठीक है, ये हमें गिवन है, दिस वन इज गिवन, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल ऑफ द सेम डिग्री और सेम मेजरमेंट यू कैन सी, ठीक। नाउ लेट अस सी हाउ वी विल डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, एक मतलब एक बना लेंगे, जैसे जस्ट सपोज वी ड्रॉ अ रे ओ एक्स, क्लियर। अब इस एंगल के एकदम सेम एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, ए पे कंपास को रखेंगे, पेंसिल वाले पॉइंट से इस पे एक आर्क कट करेंगे जो ए एंगल ए के दोनों आर्म्स को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, पी और क्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि विथ ओ एज सेंटर, ठीक, ओ को सेंटर लेके और यही सेम रेडियस जो आपने इस केस में लिया है, यही सेम रेडियस लेके एक आर्क बना लेंगे ओ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि विथ आर एज सेंटर एंड रेडियस विच इज़ इक्वल टू पी क्यू, क्या करोगे, रेडियस इक्वल टू पी क्यू मतलब यहाँ कंपास रखो, देखो ये है कंपास हमारा, ठीक, इस तरीके से आप कंपास रखोगे, यहाँ पे शार्प पॉइंट रहेगा और यहाँ पे पेंसिल रहेगा, तो कंपास के बीच का डिस्टेंस हमें वो वैल्यू देगा ना, ये कंपास का दो आर्म्स का मतलब डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे कि क्यू पे एक शार्प पॉइंट को पे रखोगे, पी पे पेंसिल रखोगे, तो आपको एक रेडियस मिलेगा उस कंपास के हेल्प से। अब आप उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ लाकर रखो से और यहाँ पे भी उतने ही डिस्टेंस पे आर्क कट करोगे, इससे क्या होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस पॉइंट को यानी ये जो दोनों आर्क्स का इंटरसेक्शन है उसको और ओ को ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल आपको मिलेगा एंगल ओ एस ओ आर, या फिर अगर आप इसको नाम दे देते हो तो एंगल एक्स ओ वाई, इट विल बी इक्वल टू द एंगल ए, क्लियर। आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आए होंगे। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमें कोई एंगल गिवन है तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक, उसके बाद जो पहले वाला एंगल है उसको कंपास की हेल्प से ही मेज़र करोगे ताकि कंपास के हेल्प से कंस्ट्रक्शन हो सके। अब क्या करोगे, यहाँ पे कंपास को रखकर कोई भी डिस्टेंस ले लेना कंपास का और एक आर्क ड्रॉ कर देना, ठीक, और इसी सेम रेडियस से यानी बिना कंपास को हिलाए इस वाले लाइन पे भी एक आर्क क्रिएट कर देना। अब ये कॉमन पॉइंट हमें चाहिए, ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे कुछ इस तरीके से, ये कंपास का होल्डर पोर्सन है, यहाँ पे कंपास को रखेंगे, इसको मेज़र करेंगे और बिना कंपास को डिस्टर्ब किए यहाँ उठा के रख देंगे और आर्क कट कर देंगे उतने ही डिस्टेंस पे बिना कंपास को हिलाए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपको वो नेक्स्ट जो हमारा आर्म होगा उसके लिए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमें कोई एंगल गिवन हो तो हम उसे बाइसेक्ट कैसे करेंगे। जैसे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो बाइसेक्टर दूसरी वाली लाइन को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा था, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना,
तो एंगल का बाइसेक्टर बनाने का मतलब हो गया कि एक ऐसी लाइन जो किसी एक गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक, जैसे सपोज वी हैव अ एंगल आर क्यू पी और हमें इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, क्यूब को सेंटर ले लो, हमेशा ऐसे ही कंपास रखना है। ठीक है, क्यूब पे शार्प पॉइंट रख दिए और पेंसिल वाले पार्ट से इसको कट कर दिए। कंपास ऑब्वियसली ऐसे आप पकड़ोगे, एक साइड शार्प पॉइंट रहता है, एक साइड पेंसिल वाला पॉइंट, तो शार्प पॉइंट रखो क्यू पे और एक कोई भी रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर दो जो कि क्यू आर और क्यू पी को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करेगा। एक पॉइंट एक्स हो गया और एक पॉइंट वाई हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एक्स और वाई पॉइंट है, ठीक है, एक एक करके इन पे कंपास को रखेंगे। एक्स पे रखा मैंने कंपास विथ एक्स एज सेंटर और रेडियस, ये जो हाफ ऑफ एक्स वाई है ना, इससे ज़्यादा। एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई के बीच में ये लेंथ आपको दिख रही होगी। ठीक, इसके हाफ से ज़्यादा ले लो, मतलब कंपास को फैला लो, उतना रेडियस ले लो और एक आर्क ड्रॉ करो। ठीक, उसी तरह से वाई पे कंपास को रख के फिर से एक आर्क ड्रॉ करो। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब क्यू को और ये जो नया पॉइंट हमें मिला है इसे ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन मिलती है यही इस एंगल क्यू का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो करना क्या था, क्यू पे रख के कोई भी एक आर्क बना दो, एक्स और वाई पे कट करे वो पी आर को, इतना तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक्स पे रख के एक्स वाई के आधे से ज़्यादा लो, मतलब रेडियस, और ये वाला आर्क ड्रॉ करो। उसी तरह से वाई पे रख के इस साइड आर्क ड्रॉ कर दो। ठीक है, आप रख के कट करना, आपको खुद आर्क्स मिलेंगे। तो ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट और क्यू को ज्वाइन करने पे हमें एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर एंगल का। क्लियर। नाउ लेट अस सी सम अदर क्वेश्चंस। जो सपोज वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड एंगल 90 डिग्री, ठीक है, एक्स वाई जेड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास एक एंगल है, तो मैंने मान लेते हैं हमने पहले से प्रोटेक्टर के हेल्प से बना लिया, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब इसका आपको बाइसेक्टर बनाना है, तो बाइसेक्टर बनाने के लिए हम वाई पे कंपास को रखेंगे और ये मैंने पेंसिल वाले पोर्शन से एक आर्क ड्रॉ कर लिया जो एक्स और एक्स वाई और वाई जेड को कट कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट ए और बी पे। अब क्या करेंगे, ए पे कंपास को रखेंगे, ए बी के डिस्टेंस से हाफ से ज़्यादा, ए बी के डिस्टेंस को मेज़र करेंगे और उसके हाफ से ज़्यादा रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सेम काम हम करेंगे, बी पे कंपास को रखेंगे, बिना कंपास के लेंथ को डिस्टर्ब किए दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे जो पुराने वाले आर्क को कट करेगा। और ये जो वाई पॉइंट है और ये जो नया पॉइंट हमें मिला है यानी दोनों आर्क्स का इंटरसेक्शन, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन है ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा। और आप मेज़र करके भी देख सकते हो कि 90 डिग्री का हाफ ऑफ 45 डिग्री होता है, तो ये दोनों 45 डिग्री ही होंगे। क्लियर है। चलिए अब हम सीखते हैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले देखते हैं 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री के कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि एक तो हम बेस आर्म अपने से, मतलब दो आर्म्स होते हैं किसी भी एंगल के, एक खुद से ले लेंगे। ठीक, और मान लेती हूँ मैं इसका नाम दे देती हूँ दिस इज़ बी एंड दिस इज़ पॉइंट ए। अब हम क्या करेंगे ना, ए पे कोई भी रेडियस लिखें, यहाँ कंपास का शार्प पॉइंट रखो, पेंसिल वाले पॉइंट से कोई भी रेडियस अपनी मर्जी का लेकर एक आर्क ड्रॉ कर लो। ठीक, इतना कर सकते हो। अब बिना कंपास को हिलाए सेम रेडियस के साथ इस वाले पॉइंट पे यानी पॉइंट एक्स पे कंपास को रख कर एक आर्क ड्रॉ करोगे जो इस वाले आर्क को कट करेगा एक पॉइंट पे, ठीक, पुराने वाले आर्क को। तो ये जो लाइन हमें मिल रही है ना इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ए, और ये जो नया पॉइंट हमें जो भी मिला मान लेते हैं वाई, तो ये जो लाइन हमें मिलेगी इन दोनों आर्म्स के बीच में ये कितने एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, 60 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंपास रख के ये वाला आर्क ड्रॉ किया, बिना कंपास को डिस्टर्ब किए इस वाले पॉइंट से यहाँ आर्क ड्रॉ कर दिया। ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों आर्क्स मिल रहे हैं, इनको मिला दिया, तो ये जो एंगल बना ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हम देखते हैं 120 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। तो 120 डिग्री जो है वो 60 का डबल है,
यानी हम सेम प्रोसेस को दो बार रिपीट कर देंगे। ये हो गई लाइन, ठीक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, कोई भी रेडियस ले लो और यहाँ पर एक आर्क बना दो ए पे, ठीक है। बिना कंपास को हिलाए, जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, बिना कंपास को हिलाए उसी डिस्टेंस के साथ एक्स पॉइंट पे कंपास को दोबारा से रख के एक आर्क कट करो, ठीक। अब ये वाली लाइन हम ज्वाइन कर देंगे अगर, तो क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री, बट हमें तो 120 डिग्री बनाना है। तो दोबारा से इस वाले पॉइंट पे, यानी ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट मिला है, उस पे कंपास को रखना है, पर कंपास के बीच का डिस्टेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ से ऐसे कंपास रखो, यहाँ पे कहीं पे पेंसिल वाला पॉइंट आएगा ना आपका, तो यहाँ पे आर्क को कट करो। अब इन दोनों लाइन को अगर मिला दोगे तो ये मिल जाएगा 120 डिग्री, क्लियर है। ये मैंने जो ये बनाया है ना, ये कंपास है, इसको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। हमें बस जो हमारे पास एंगल मिल रहा है वो देखना है, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल, दैट इज़ 90 डिग्री, क्लियर। तो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके लिए हमें थोड़े नए स्टेप्स पढ़ने होंगे। जैसे कि 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले कि एक लाइन ले लिया हमने, ठीक, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। 90 जो होता है ना, वो एक्चुअल में 60 और 120 के एकदम बीच में होता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ भी देखा इस क्वेश्चन में, ये 60 डिग्री वाली लाइन थी, ठीक, इतना एंगल क्या था, ये 60 डिग्री था, ये पूरा 120। 90 जो होता है वो इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में लाई करता है। देखो ये जैसे ये हो गया 60 की लाइन, 70, 80, 90, 100, 110 और ये 120, यानी ये इनके एकदम बीच में है। तो अगर मैं इस एंगल का, ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाल लूँ तो एग्जैक्ट मीड वाली लाइन मिल जाएगी ना, तो इस तरह से हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम ए पे कंपास को रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे किसी भी रेडियस का, बिना कंपास को हिलाए इस नए वाले पॉइंट पे, जो कि मान लेते हैं पॉइंट पी है, इस पे रख के एक आर्क कट करेंगे, ठीक, इसका नाम दे देते हैं क्यू। उसके बाद फिर से क्यू पे रख कर एक नया आर्क ड्रॉ करेंगे, जो कि हो गया पॉइंट आर पे, और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। अब 60 या 120 डिग्री तो बनाना नहीं है, हमारा टारगेट है 90 डिग्री बनाना, जो कि इन दोनों पॉइंट्स के एकदम बीच में आएगा, इन दोनों एंगल्स के, यानी इन दोनों पॉइंट्स को मतलब हम अगर हमारा एंड पॉइंट्स ले लें तो इसका एंगल बाइसेक्टर हम बना सकते हैं। तो अगर इसका हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है, चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको अभी ये एंगल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया, तो आपको एंगल एक्स ए वाई, ये देखो एंगल एक्स ए वाई क्लियर दिख रहा होगा, इसका अब हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। तो किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें एक आर्क ड्रॉ करना पड़ता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉन है, और ये दोनों एंड पॉइंट्स भी इस आर्क के हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आर पे कंपास को रख के आर क्यू डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देंगे। फिर हम क्यू पे कंपास को रख देंगे, बिना कंपास को हिलाए फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जब आप इस पॉइंट को और ए को ज्वाइन करोगे तो जो नया एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री वाली ही लाइन तो मिलेगी ना यहाँ पे, एग्जैक्ट 60 और 120 के बीच में। तो 90 डिग्री बेसिकली ये जो 60 डिग्री और 120 डिग्री वाली लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, क्लियर। उसी लाइन से 90 डिग्री मिलता है। अब हम देखते हैं हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री, जैसा कि आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये तो 60 का हाफ है और हमें 60 डिग्री बनाने आता है। तो अगर मैं 60 डिग्री बना लूँ, ठीक है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किया, ए पे रख के कोई भी रेडियस लेके आर्क बना लो, फिर बी पे रख के सेम रेडियस के साथ आर्क कट करो, तो ये दोनों लाइंस को ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलेगी वो 60 डिग्री का एंगल देगी, ठीक। तो ये तो 60 डिग्री है, ठीक है, हमें बनाना है 30 डिग्री, यानी इस 60 डिग्री वाले इस एंगल को अगर बाइसेक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। तो हम वही काम फिर से करेंगे, हम सी पे कंपास को रखेंगे, इस वाले डिस्टेंस से के हाफ से ज़्यादा कंपास को फैला के एक आर्क यहाँ कट करेंगे, फिर बी पे रख के वही काम करेंगे और ये हमें एक नया लाइन मिल जाएगा, और इसी लाइन की वजह से जो एंगल्स दोनों साइड मिलेंगे
वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज़ 30 30 डिग्री। क्लियर है? तो बेसिकली आपको ना याद रखना है 60 120 बेसिक होता है, उनका बाइसेक्टर 90 डिग्री देता है, 60 को बाइसेक्ट करने पे 30 डिग्री मिल जाता है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन जो है ना वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। 45 डिग्री एक्चुअल में 90 का भी हाफ होता है, यानी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री बनाना होगा, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे ना, यानी उसको आधा करेंगे तो 45 मिलेगा। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं? ये एक लाइन ले लिया, ए बी पॉइंट मार्क कर लिया, ए पे कंपास रखे हमने, कोई भी रेडियस के साथ एक आर्क ड्रॉ कर ली। फिर वही काम हम सी पॉइंट पे रख के करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे सेम रेडियस वाला। फिर अब हम डी इसको मान लेते हैं और इस पॉइंट पे हम कंपास रख के वही काम करेंगे, नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक, दिस इज़ डी। अब हमारा टारगेट 60 180 नहीं बनाना है, इसलिए हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो और लाइंस भी दिखे। 90 डिग्री बनाने के लिए यहाँ पे रखोगे कंपास और यहाँ एक आर्क ड्रॉ करोगे, उसके बाद यहाँ कंपास रख के यहाँ एक आर्क ड्रॉ करोगे, तो ये मिल गई 90 डिग्री वाली लाइन, यानी ये पूरा एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब इसी 90 का अगर हाफ कर दें तो क्या मिल जाएगा? 45 डिग्री। तो इसी 90 का हाफ, ये है 90 डिग्री, इस आर्म और इस आर्म के बीच में, तो इनके बीच में जो आर्क है उसी के तो दोनों पॉइंट्स लेंगे ना एंगल बाइसेक्ट करने के लिए। तो पहले हम ये जो पॉइंट है पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। पहले हम पी पे कंपास को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर हम क्यू पे कंपास को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन है इन दोनों आर्क का, उसको और ए पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ताकि हमें नया रे मिल जाए ए ओ, और ये जो एंगल ऑप्टेन हुआ है ना, दिस इज़ 45 डिग्री, यानी 90 डिग्री के दोनों पॉइंट्स को लेकर एंगल बाइसेक्टर बना दो। क्लियर? तो आई होप ये सारे ही क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, ठीक है। आपने 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री सब बनाना सीख लिया है, तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बनाने आ सकते हैं। अब हम कुछ और टाइप के कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, एंगल का कंस्ट्रक्शन हमने सीख लिया है, अब हम कुछ लाइन्स से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन इज, अब हमने क्या करना है ना कि एक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे थे, तो उसमें क्या होता है खुद से, मतलब अगर कोई लाइन है ए बी, तो उसके दोनों पॉइंट्स पे कंपास को रख रख के आर्क ड्रॉ कर ले रहे थे, तो हमारा एंगल बाइसेक्टर सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जा रहा था। अब हमें क्या करना है ना, एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं ये है लाइन पी क्यू, ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, मतलब कोई एक पॉइंट अब हमें दे देगा जो इस पे लाइन नहीं कर रहा है, पर हमें इस मतलब पॉइंट से पास करता हुआ एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि इस पॉइंट से पास करे और ये पॉइंट इस पे लाइन ना करता हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे ना, पहले पी क्यू मतलब हमने लाइन ड्रॉ कर ली, एक्स पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं कहीं बाहर है, ठीक है। अब एक्स को सेंटर लेके और कोई भी रेडियस ले लो, ठीक है, एक ऐसा आर्क बनाओ ना जो पी क्यू को दो पॉइंट्स पे कट करे, कर सकते हो। यहाँ पे कंपास रख लो, ठीक, और यहाँ पे पेंसिल वाला पॉइंट, और ये ऐसे करके आप आर्क बना सकते हो ना, कंपास यहाँ रख के बस इस आर्क को बना लो और इसको नाम दे लो ए और बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए और बी को सेंटर लेके हाफ से, ए बी के हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके दो आर्क्स बनाओ, मतलब एक बार यहाँ कंपास रखो, यहाँ आर्क बनाओ, फिर बी पे कंपास रख के यहाँ आर्क बनाओ, ताकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और इसको ज्वाइन कर दो। तो देखो अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है जो उस पर लाई नहीं कर रहा था। क्लियर? तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, कोई ऐसा परपेंडिकुलर बनाना किसी ऐसे पॉइंट से जो उस लाइन पे लाई ना कर रहा हो, ठीक। अब इसी से रिलेटेड एक और केस देख लेते हैं कि यहाँ तो हमने परपेंडिकुलर बना दिया, अब हमें क्या करना है कि पैरेलल लाइंस बनाने। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, मतलब ये लाइन दी हुई है, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे जो कि उस पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक। तो मान लेते हैं हमने लाइन एल बना दिया, ठीक है, और P कोई पॉइंट है जो आउटसाइड है, यानी उस पर लाई नहीं कर रहा है। अब इस लाइन पे ना, इस लाइन L पे कोई भी पॉइंट ले लो, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ले लिया Q, ठीक है,
ऑन लाइन एल एंड ज्वाइन पी क्यू। उसके बाद इस वाले पॉइंट से यानी जो पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच के मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। क्यू पे पेंसिल रखो और कोई भी रेडियस लेके ना एक आर्क ड्रॉ कर लो, ठीक, और इसको नाम दे लो ए बी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि पी को सेंटर लेके सेम रेडियस लेके इधर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे सेम रेडियस लेके, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, सी को सेंटर लेके यानी दिस इज पॉइंट सी, इसको सेंटर लेकर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना इसको मेजर कर लो कंपास से। एक साइड पेंसिल रखो, एक साइड शार्प पॉइंट रखो, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सी पे कंपास को रख के सेम डिस्टेंस जो ए बी का है वो डिस्टेंस लेके एक आर्क कट करो, ठीक। क्लियर? इतना कर लोगे, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन बनेगी ना, मैंने तो थोड़ा रफली बनाया है, यहाँ जो ये लाइन बनेगी ये इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी, ठीक। यानी हम इस एंगल को मेज़र करके अगर यही एंगल यहाँ बना दें तो हमें पैरेलल लाइन मिल जाती है। क्लियर है? तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इस चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना है। अगर आपको एक्सरसाइज या ब्रेन टीजर या हॉट्स के किसी क्वेश्चन में भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कंस्ट्रक्शन चैप्टर में हमेशा ये रहती है कि अगर इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तो आपको हमेशा ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। मतलब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बिना तो ये पूरा होता ही नहीं है। बट फिर भी अगर छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप मान लो कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ा छोड़ भी सकते हो बाई कीपिंग द ट्रैक ऑफ टाइम। बट अगर ये 4 to 5 मार्क्स में आते हैं या लेंदी क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं तो आपको हमेशा ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप स्टेप बाई स्टेप जो कर रहे हो उसको बस अपने वर्ड्स में लिखते जाओ। आपको केवल पॉइंट्स और लाइंस का नाम सही से रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही है। आपको कुछ 4-5 पर्टिकुलर एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखना है दोनों केस में। मतलब एक तो कोई आउटसाइड पॉइंट ना दिया हो तो सिंपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, और अगर आउटसाइड वाला पॉइंट दिया हो तो भी आप उस पर परपेंडिकुलर बना सकते हो। और एक केस है हमारा पैरेलल लाइंस का। तो अगर आपको इसके बाद किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम मैथ्स के और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल।